मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान का द्वितीय चरण आज से पूरे प्रदेश में एक साथ शुरू हो गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान जोबट अलीराजपुर में इसकी शुरुआत की। ये अभियान 31 मई तक चलेगा। अभियान के दौरान 15 विभागों की 67 तरह की नागरिक सेवाओं का त्वरित निर्धारण किया जा रहा है। अलीराजपुर में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान 332 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम ने 10वीं और 12वीं बोर्ड के रिजल्ट घोषित कर दिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने परीक्षा में सफल हुए सभी बच्चों को और उनके परिवारजनों को शुभकामनाएं और बधाई दी हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि जो बच्चे असफल हुए हैं वो कड़ी मेहनत करें। सीएम ने कहा कि जो टॉप 10 बच्चे हैं उन्हें फिर एक बार हेलीकॉप्टर राइड करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अलीराजपुर पहुंचे। सीएम यहां चंद्रशेखर आजाद नगर के रंगोल गांव पहुंचे। सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपनी सरकार में सिर्फ गांधी नेहरू परिवार की प्रतिमा लगाई। आदिवासी क्रांतिकारी जनजातीय निकायों को भूल गए, वो टंटिया मामा को भूल गए, परथी भाई को भूल गए, भीमा नायक भगवान बिरसा को भूल गए। हमारी सरकार देश को आजाद कराने वाले सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रतिमा लगा रही है, उनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बात करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। नारायणपुर में आदिवासियों को आपस में लड़ाने वाली बात पर सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, आदिवासियों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। सीएम भूपेश बघेल ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी को ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि इनके दामन में खून के छींटे हैं। जब तक धरती लाल नहीं होती इनको चैन नहीं मिलता। राजधानी भोपाल सहित छिंदवाड़ा से एनआईए और एटीएस द्वारा पकड़े गए 11 आतंकियों को लेकर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा खुलासा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि आतंकी रायसेन के जंगलों में हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे। पकड़े गए आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में तकनीकी उपकरण जब्त किए गए। उन्होंने कहा कि भोपाल से गिरफ्तार किए गए कट्टरपंथी संगठन हिफ्जुत तहरीर से जुड़े 10 लोगों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। भोपाल के 10 लोग और छिंदवाड़ा के जो एक व्यक्ति है, जो HUT के लोग हैं, उनको 19 तारीख तक का रिमांड पर लिया गया है। 5 लोग हैदराबाद में गिरफ्तार किए गए हैं, उनको लेकर के पुलिस पार्टी रवाना हो गई है भोपाल के लिए। वो 5 भी भोपाल आएंगे शीघ्र ही। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी नारी सम्मान योजना शुरुआत कर दी है। महिला वोटरों को लुभाने के लिए कांग्रेस ने प्रतिमा 1500 रुपए और गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने का वादा किया है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रदेश में माताओं और बहनों से नारी सम्मान योजना से जुड़ने की अपील की है। चर्चित फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर जारी सियासत के बीच छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि ये फिल्म दंगा कराने का फॉर्मूला है। मोहन मरकाम ने कहा कि जब भाजपा के पास किसी तरह के मुद्दे नहीं होते तो वो धर्म की राजनीति करने लगती है। द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर बीते कई दिनों से लगातार राजनीतिक बयानबाजी जारी है। मध्य प्रदेश में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का दौर खत्म होने के बाद अब झुलसने वाली गर्मी पड़ रही है। बुधवार को भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के 21 शहरों में तापमान 40 डिग्री से ज्यादा रहा। इस सीजन पहली बार इतनी ज्यादा शहरों में तापमान इतना अधिक रहा। इनमें रतलाम सबसे गर्म रहा, यहां तापमान 43.6 डिग्री तक पहुंच गया। धार, खजुराहो में भी तापमान 42 डिग्री तक रहा। मौसम वैज्ञानिक HS पांडे ने बताया कि तापमान में अब इसी तरह बढ़ोतरी रहेगी। 15 मई के बाद हीट वेव यानी कि गर्म हवाएं भी चलने लगेंगी। छत्तीसगढ़ में अब कोरोना की रफ्तार बढ़ने लगी है। बीते 24 घंटे में 104 मरीज मिले हैं। हालांकि बीते दिनों की अपेक्षा टेस्टिंग की भी संख्या कम हुई है। प्रदेश भर में केवल 3,635 टेस्ट किए गए। इसके अलावा कोमॉर्बिडिटी से एक मरीज की मौत हुई। हालांकि बलरामपुर जिले में कोमॉर्बिडिटी यानी कि कोरोना के साथ किसी अन्य की वजह से एक मरीज की मौत भी हुई है।